दोस्तों, पृथ्वी पर कुछ ऐसे भी जगह है जो काफी देखने लायक है और काफी खूबसूरत भी है, जो हमेशा के लिए एक टूरिस्ट स्पॉट बना हुआ है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में कुछ ऐसे भी शहर है जो हमेशा के लिए पृथ्वी से गायब हो सकते हैं? आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन यह सच्चाई है। इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि ये स्थान कितनी जल्दी पृथ्वी के मुख से गायब हो जाएंगे, ये कहा नहीं जा सकता। अभी के लिए आप इन शहरों में जा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 8 ऐसे शहर और देशों के बारे में बताएंगे जो 2030 तक पूरी तरीके से पृथ्वी से गायब हो जाएंगे। तो आपको भी जानना है कि कौन से वे शहर और देश है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ भविष्य में गायब होने की संभावना है? मछलियों का लगभग 15,000 प्रजातियों का घर, जिनमें कुछ केवल यहाँ पाई जाती है। यह लगभग 1680 मील के क्षेत्र को कवर करता है और देखने लायक भी है। हालांकि रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पिछले 30 वर्षों में ग्लोबल वार्मिंग के कारण चट्टान ने अपना लगभग 50% खो दिया है, और यदि अनुमानों के अनुसार ग्रेट बैरियर रीफ वर्ष 2030 तक पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाएगा, और शायद ही हमें दुनिया के नक्शे में देखने को मिले। नंबर 2, मेडागास्कर द्वीप। दोस्तों, मेडागास्कर वन्य जीव उत्साही लोगों के लिए एक मक्का है, क्योंकि यह दुनिया में लगभग 2/3 गिरगिट नींबू की 50 प्रजातियों का घर है। हालांकि मेडागास्कर अभी जिस मुख्य खतरे का सामना कर रहा है वह है वनों की कटाई, जिसके द्वीप में लगभग 90% वन की कटाई हो गई है, और यदि मेडागास्कर की कई अपंजीकृत स्थानीय प्रजातियां खोजे जाना बाकी है। वैज्ञानिकों का यह अनुमान है कि अगले हम 35 वर्षों में मेडागास्कर द्वीप को पूरी तरीके से गायब होते हुए देख सकेंगे। नंबर 3, मृत सागर जॉर्डन। दोस्तों, मृत सागर जो अपने उच्च नमक के स्तर के लिए जाना जाता है, जो स्नान करने वालों को अपने पानी पर बिना किसी प्रयास के तैरने देता है, आखिरकार मर रहा है। लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से एक, भूवैज्ञानिक और मानवीय कारणों के मिश्रण ने इसकी आपदा में योगदान दिया है, जहाँ जल स्तर अपने प्रतिवर्ष लगभग 3 फीट की दर से गिर रहा है, और आने वाले सालों में शायद ही हम मृत सागर को देख नहीं पाएंगे। नंबर 4, गैलापागोस द्वीप इक्वाडोर। दोस्तों, गैलापागोस द्वीप समूह अपने आप में एक छोटी सी दुनिया है, और उड़ान रही जलकाक से लेकर विशाल कछुओं तक वनस्पतियों और जीवों की एक विशाल विविधता के लिए एक घर के रूप में कार्य करता है। लेकिन यह द्वीप समूह अभी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। क्रूज यात्रियों की नियमित आमद, 4 व्यस्त हवाई अड्डों और बढ़ती आबादी के साथ गैलापागोस दुर्भाग्य से तबाही के रास्ते पर आ गया है, और आने वाले समय में हम भी इस शहर को देख नहीं पाएंगे। नंबर 5, मालदीव। दोस्तों, इस खूबसूरत गंतव्य के प्राचीन समुद्र तट, आकर्षण रिजॉर्ट, अविश्वसनीय स्कॉटलिंग और स्पॉट पर हर साल दुनिया भर से टूरिस्ट को आकर्षित करते हैं। हालांकि इस द्वीप राष्ट्र का भविष्य उज्जवल नहीं दिखता है। यह संभावना है कि मालदीव 21वीं सदी के अंत तक समुद्र में खो जाने वाला पहला राष्ट्र बन सकता है। यदि समुद्र का स्तर अपनी वर्तमान दर से ऐसे ही बढ़ता रहा, तो आने वाले सालों में शायद ही हम मालदीव को नहीं देख पाएंगे। नंबर 6, वेनिस इटली। दोस्तों, यह पोस्ट गार्ड परफेक्ट मध्यकालीन शहर समुद्र के बढ़ते स्तर के कारण खतरे में है। नेहरों का शहर का जटिल नेटवर्क, जो पुलों को नीचे और कोबल्ट गलियों के माध्यम से जिप करता है, वेनिस एक अस्थिर लेगुन पर बना है, इसलिए तेजी से डूब रहा है। जबकि बार बार आने वाली बाढ़ ने केवल वेनिस की निचली ईंटों की इमारतों को होने वाले नुकसान को बढ़ाया है। अगर समुद्र स्तर में केवल 3 फीट की वृद्धि शहर को पानी के नीचे ले जाएगी, इसलिए चिंता यह है कि यह शहर कभी भी पानी में समा सकता है। नंबर 7, कांगो बेसिन अफ्रीका। दुनिया में लगभग आधे ऑक्सीजन के लिए जिम्मेदार कांगो बेसिन अभी तक एक और कमजोर जंगल क्षेत्र है। सवाना जंगलों और दलदलियों में हाथियों और गोरिल्लाओं के साथ खनन, वनों की कटाई और अवैध वन्य जीव व्यापार का बेसिन को खतरा है। पर्यावरणविदों की चिंता है कि अगर इसी तरह से स्थिति बनी रही तो 2040 तक जंगल के पौधे और जानवर पूरी तरीके से गायब हो जाएंगे। नंबर 8, ओलंपिया ग्रीस। दोस्तों, ओलंपिया का प्राचीन शहर ग्रीस के प्रमुख पुरातत्व स्थलों में से एक है और प्रौद्योगिक और ऐतिहासिक काल से बसा हुआ है। हालांकि आने वाले वर्षों में इसने गर्म और शुष्क ग्रीष्मकाल का सामना किया है, जिसके कारण बड़े पैमाने पर जंगल की आग लगी है, आसपास के क्षेत्रों को झुलसा दिया है और खंडरों के करीब क्षेत्रों पर भी कब्जा कर लिया है।
इतिहास के जानकारों का मानना है कि बढ़ते तापमान और कम वर्षा के साथ इस स्थान पर बाद में आने के बजाय जल्द ही जाना बुद्धिमानी होगी, क्योंकि आने वाले शहरों में शायद ही हम इस क्षेत्र को देख पाएंगे। तो दोस्तों, यही थे दुनिया भर के 8 ऐसे शहर और कुछ राष्ट्र जो आने वाले समय में हमें पृथ्वी के नक्शे पर देखने को नहीं मिलेंगे। दोस्तों, क्या इन शहरों में और देशों में आप कभी पहले गए हो? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।